नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप में। इस वक्त की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं नवीन। केंद्रीय मंत्री पशुपतिनाथ पारस ने पीएमसीएच में अरवल पीड़िता से मुलाकात कर उनका हाल चाल जाना और चिकित्सकों से इलाज की जानकारी ली। मुलाकात के बाद केंद्रीय मंत्री पशुपतिनाथ पारस ने कहा कि पीड़िता की हालत ठीक नहीं है, हालांकि उनका इलाज जारी है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री पशुपतिनाथ पारस ने कहा कि बिहार की महागठबंधन सरकार में दलितों पर अत्याचार काफी बढ़ गया है, खासकर जदयू और राजद के साथ सरकार बनाने के बाद पासवान जाति पर हमला हाल के दिनों में काफी बढ़ा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राज्य में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से फेल है। केंद्रीय मंत्री पीएमसीएच के बाद अरवल के लिए रवाना हुए, जहां परिवार वालों से भी मुलाकात करेंगे। चार धामों में से एक रामेश्वर धाम सहित तिरुपति बालाजी, कन्याकुमारी, मदुरई माँ मीनाक्षी देवी और श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का झारखंड में सबसे कम दर पर सब परिवार दर्शन लाभ का अनुपम अवसर। संपर्क करें माँ कामाख्या धार्मिक रेल यात्रा, केसरी नर्सिंग होम, पहला तल्ला, पिस्का मोड़, रांची। वेलकम टू चाचा मामा दंगल। हास्य अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह अखाड़े में कूदे और उल्टू उसको ट्रॉफी से नवाजे। लगता है समाधि ले ली। अरे बुला रहे हैं। अरे बोल रहे हैं। टॉप टेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं, मजबूती ही हमारी पहचान। फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ आउटिंग हो या रांची आकर ठहरना हो, या हो एनिवर्सरी, बर्थडे, मैरिज पार्टी या किटी पार्टी, या फिर करना हो कॉर्पोरेट गेट टुगेदर, आपके हर ओकेजन और मोमेंट को यादगार बनाने के लिए आपकी सेवा में तत्पर है होटल हर्ष रीजेंसी। 26 एसी एंड नॉन एसी रूम्स, मल्टी कुजिन रेस्टो फॉर डिलीशियस फूड। होटल हर्ष रीजेंसी में आपके लिए उपलब्ध है हर आयोजन के लिए परफेक्ट बैंक्वेट हॉल। होटल हर्ष रीजेंसी, गेस्ट हाउस, बैंक्वेट एंड रेस्टोरेंट, सुवर्ण रेखा पुल, हटिया, रांची।